एक जोड़ी है, छोटे भाई, बोलो मेरे साथ, छोटे भाई और बड़े भाई, एक जोड़ी है, करिश्माई जोड़ी है, एक ऐसी जोड़ी है जहाँ प्रधानमंत्री कहते हैं न खाऊंगा, ये जोड़ी कहती है मैं खाऊंगा और खाने भी दूंगा। 15 महीनों की सरकार, 15 महीनों की सरकार, और उस समय में मैं भी वहां खड़ा था। इन मंचासीन सभी लोगों के साथ मेरा एक हृदय का संबंध था, पर मैं कांग्रेस के झंडे के नीचे खड़ा था। और मैंने भी सोचा कि भारतीय जनता पार्टी ने करिश्मा करके दिखाया है बीमारू राज्य को बेमिसाल राज्य में परिवर्तित कर दिया, पर मैंने सोचा था कि एक बेमिसाल राज्य को भी हम एक सितारे की तरह उभारे, और एक एक जगह जाकर मैंने प्रचार किया, क्योंकि मेरी सोच विचारधारा थी कि जनमुखी सरकार स्थापित हो, लोखनमुखी सरकार स्थापित हो, किसानों की सरकार स्थापित हो, नौजवानों की सरकार स्थापित हो, महिलाओं की सरकार स्थापित हो, पर यहां तो जोड़ी की सरकार स्थापित हो। और वैसे मुझे इस जोड़ी से कोई इतराज नहीं, लेकिन जो नीति इन्होंने अपनाई, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया, बड़े दम से ऐसे ही मंच से जय घोष निकाला था कि कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ, मैंने भी कहा था। और मुझसे ज्यादा तो कांग्रेस के सबसे बड़े राष्ट्र नेता ने ऐसे मंच से कहा था, सुन लो मेरे भाई और बहनों, कि अगर 10 दिन में ऋण माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री को बदल दूंगा, याद है? अरे 10 दिन निकल गए, 1 महीना निकल गया, 3 महीने निकल गए, कल का पैदा हुआ बच्चा 1 साल का हो गया, 15 महीने निकल गए, किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस की जोड़ी माला माला हो गई। क्या हो रहा था वल्लभ भवन में मालूम है? आपके लिए नीति नहीं बनाई जा रही थी, आपका विकास नहीं किया जा रहा था, आप लोगों के लिए बांधों की श्रृंखला नहीं हो रही थी, आप लोगों के लिए ट्रेन नहीं हो रहा था। वहां नया उद्योग शुरू हो गया मध्य प्रदेश में। अरे बोलो जोर से, मैंने नहीं कहा। एक एक पद पर बोली बोली जा रही थी, और जब मैंने किसानों का मुद्दा उठाया, जब मैंने मेरे अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठाया, मैं टीकमगढ़ गया था, सारे अतिथि शिक्षक आ गए मेरे सामने, कहा कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, हमारा तनख्वाह बढ़ाना चाहिए, तो मैंने कहा चिंता मत करो, 5 साल की सरकार है, अगर नहीं हुआ तो आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। और जवाब में जब जोड़ी ने मुझे कहा सिंधिया जी सड़क पे आ जाएं, ये भूल गए मैं उस राजमाता का पोता हूं, जब डीपी मिश्रा ने ललकारा था तो राजमाता ने डीपी मिश्रा को धूल चटाने का काम किया था। मैंने भी संकल्प लिया कि मैं सड़क पे उतरूंगा और या तो मैं रहूंगा और या तो ये सरकार रहेगी। और आज मुझे
नागर साहब, राधेश्याम जी, वो डब्बे को बंद करो, वो डब्बे से बड़ी कठिनाई हो जाती है जिंदगी में, उसको सुनो तो मरो, उसको ना सुनो तो मरो। सही है कि नहीं? पुराने जमाने का अच्छा था गोल गोल घुमाने वाला, घर से बाहर निकले तो कोई नहीं पकड़ सकता, अब तो राधेश्याम जी को कौन कौन पकड़ रहा है देखो। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिस सरकार ने आपके साथ विश्वासघात किया, जिस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया लेकिन 26 लाख फर्जी प्रमाण पत्र ऐसे ही मंचों से वितरित करने का कार्य किया, मेरे किसानों के दिलों पर अपने पैर से कुंचा गया, उन्हें कभी माफ नहीं करता है मेरे भाइयों। जिस सरकार ने एक एक योजना बंद की हो, जिस सरकार ने भ्रष्टाचार का आलम बनाया हो, और अगर किसानों की सहायता के लिए कोई कूद पड़ा तो आज मुझे गर्व है कि मेरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री ब्याज माफी योजना के आधार पर 2300 करोड़ रुपए मेरे किसानों का ब्याज माफ करने का कार्य किया। किया कि नहीं? अरे पीछे से, पीछे से। ये देखो, प्रधानमंत्री ने मेरे सीमांत कृषक के बारे में सोचा है। टाइम है? अब धीरे धीरे ये लोग भी जान जाएंगे मेरी आंखें बड़ी तीखी हैं। उधर से फोन उठाया जा रहा है, इधर से घड़ी देखा जा रहा है। अरे भोपाल से भी फोन आए तो कह दो ना, मैं तो अपनी जनता के बीच में। सही है कि नहीं? क्या बोले? बोलो ना। क्या बोलू? क्या बोलू? हाई कमांड तो यहां बैठा हुआ। तो मैं कह रहा था, प्रधानमंत्री ने केवल एक व्यक्ति है पूरे देश में जो इस देश की एक एक जनता के बारे में सोचता है। मेरा सीमांत कृषक, 80% किसान मेरा सीमांत कृषक है। 75 वर्षों में किसी भी प्रधानमंत्री ने सीमांत कृषक के बारे में नहीं सोचा। केवल एक व्यक्ति है जो कहता है कि मैं प्रधान सेवक हूं, वो नाम है नरेंद्र मोदी जी। जिन्होंने निर्णय लिया कि मेरे सीमांत कृषक के खाते में 6000 रुपया हर वर्ष पहुंचाने का काम केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आ रहे कि नहीं? आ रहे। और 10 तारीख को कुछ और भी डला है। समझ गई ना मेरी अम्मा? समझ गई ना? पुराने जमाने में एक कांग्रेस का प्रधानमंत्री था। खाते में डली हो ना? कांग्रेस का प्रधानमंत्री था जो कहते थे, अब भैया मैं तो 1 रुपया भेज रहा हूँ, केवल 15 पैसे पहुंच रहा है। और एक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने देश में 50 करोड़ जनधन योजना
और मध्य प्रदेश में 3,70,00,000 जनधन के खाते खोलकर एक रुपया का बटन दबता है तो 1 रुपया खाते में आता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि ना खाऊंगा। 6,000 रुपया वहां से, और पहला राज्य और केवल एक राज्य पूरे देश में जिस राज्य का किसान पुत्र शिवराज सिंह जी ने वो 6,000 में 4,000 डालकर 10,000 रुपया किसान के खाते में पहुंचाया। देखो क्या बोल रहे हैं दादा, अरे दादा बोल रहे हैं सिंधिया जी 10 नहीं है अब तो 12 हो गया। ₹12,000 6 का 4 डाला था, फिर 4 का मैं तो ट्रेलर कह रहा था दादा, आपने तो पिक्चर सुना दिया। 6 का 4 डाला था, 6 के 4 से भी शिवराज सिंह जी खुश नहीं हुए तो 6 का 6 डाल दिया, 12,000 मिल रहा है खाते में। और ये सुनो, 2003 में जब आपने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को दिया था, 2003 में मध्य प्रदेश की जनता, समूचे जनता का घरेलू आयु प्रति व्यक्ति मध्य प्रदेश में 2003 में आपका और मेरा कोड आज से क्या होगा, कोड 2003 2003 कांग्रेस ही आएगा तो क्या कहोगे 2003 2003 में मेरा मध्य प्रदेश का आम जन का घरेलू आयु का प्रति व्यक्ति केवल 11,000 रुपया होता था, आज बीजेपी की 18 साल की सरकार में मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता का एक एक व्यक्ति का घरेलू आयु आज 1,40,000 हो गया है, 12.5 गुना ज्यादा। और जो कांग्रेस के समय में घरेलू आयु था प्रति व्यक्ति 11,000, उतना पैसा प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह जी मिलाकर मेरे किसान के खाते में डाल रहे हैं हर साल। जो आपका आय था 2003 में वो पैसा आपके खाते में एक योजना में डल रही है। और ये है बीजेपी की कमाल की सरकार, कमाल की कमल की कमाल। अरे मेरे यहां तो शायर भी आ गया, अरे कमल की कमाल की सरकार, याद रख लेना, कमल की कहा गया हमारा ज्ञानी ज्ञानी, कमल की कमाल की सरकार। और जहां हम किसानों की बात कर रहे हैं कि बोझ पैदा हुई है, पर शिवराज सिंह जी ने लाडली लक्ष्मी योजना लाकर एक एक घर में लखपति और लक्ष्मी की पैदाइश की शुरुआत हो गई, सही है कि नहीं? मैंने आपका इतना अच्छा नहीं है जो इनका है, कमल की, अरे बोलो कमल की, कमल की, कमल की, कमल की, दो शून्यों से ज्यादा अंक लेके आती है तो उस लाडली बच्ची को ई स्कूटी देने का काम कमल का, कमल का, कमल का स्कूटी देने का काम मेरी बच्चियों का कमल की कमाल की सरकार। और जब मेरी बच्ची का वो अवसर आता है, स्वतः करता है और 51,000 रुपया मेरी बच्ची के खाते में पहुंचाता है, सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? कमल की कमल की कमल की,
मेरी बच्ची लाडली लक्ष्मी पैदा होती है, स्कूटी में घूमती है और जब अपने नए घर में जाती है तो कन्यादान योजना के आधार पर शगुन लेके जाती है और इस वर्ष उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट न होकर मेरी लाडली बहना के लिए 1,000 रुपया प्रति माह 12,000 रुपया प्रति साल खाते में पहुंचाने का काम कमल की। अरे मेरी लाडली बहना बोलो कमल की। अरे आप कब से बन गए लाडली बहना? कमल की 12,000 रुपया प्रति वर्ष। और जब ये योजना की शुरुआत हुई 10 जुलाई को, तब जोड़ी को खुजली आनी शुरू हो गई और जब खुजली आई जोड़ी को तो बोला कि अगर कमल ने 100,000 कहा है तो हम पंजे से 1,500 देंगे। अरे जिस सरकार ने आने के बाद मेरे आशा के कार्यकर्ताओं का 1,500 रुपया वेतन काट दिया, कन्यादान योजना बंद कर दी, क्या वो सरकार कभी भी मेरी लाडली बहना को पैसा देगी? शिवराज सिंह जी ने अगर वो नहले हैं तो बीजेपी 2000 से 2,250, 2,250 से 2,500 से 2,750 से 3,000 तक ले जाएंगे, 36,000 मेरी लाडली बहना के खाते में जाएगा। 1,31,00,000 मेरे प्रदेश में लाडली बहना है। अगर 1,250 रुपया प्रति माह पहुंचाना है, 12,000 रुपया प्रति वर्ष पहुंचाना है तो ये 18,000 करोड़ रुपए की योजना हुई। केवल मेरी बहना, बोलो मेरी बहना, केवल मेरी बहना। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि जिस सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की हो, जिस सरकार ने मेरी महिलाओं के साथ वादा खिलाफी की हो, जिस सरकार ने मेरे अतिथि शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की हो, मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री को, जिस संघर्ष और लड़ाई को मैंने लड़ी है 3 वर्षों के लिए, उन्होंने अतिथि शिक्षकों का मानदेय डबल करके रख दिया है। मेरे भाई और बहनों, अब मेरे अतिथि शिक्षकों का प्रति पीरियड काउंट नहीं किया जाएगा, प्रति माह उनका अटेंडेंस काउंट किया जाएगा और नौकरी में आरक्षण 50% तक बढ़ाकर रख दिया। तो जिस सरकार ने एक एक वर्ग, एक एक इंसान मेरे मध्य प्रदेश के लिए कार्य किया हो, उस सरकार को आशीर्वाद देना चाहिए कि नहीं? और जिस सरकार ने मेरी जनता के साथ विश्वासघात किया हो, उस सरकार को सदैव के लिए बोरी बिस्तर बांधकर यहां से वापस भेजना होगा कांग्रेस पार्टी को। मेरे भाई और बहनों, एक टेलीविजन का सीरियल है अमिताभ बच्चन जी का, कौन बनेगा करोड़पति, उसका नाम है कौन करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो यही प्रश्न पूछोगे आप कांग्रेस के नेताओं से। और आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस शो में जब उत्तर दिया जाता है तो अमिताभ बच्चन क्या कहते हैं? लॉक किया जाए। तो आज आपका सुपुत्र, आपका बच्चा, आपका परिवार का सदस्य आपसे निवेदन कर रहा है कि इस चुनाव में राजगढ़ के सारे विधानसभाओं में कांग्रेस को लॉक किया जाए और चाबी की तिलांजलि कर देना। तैयार हो? तैयार है।
ये कांग्रेस है जो वादा खिलाफी करती है। एक तरफ आपके पास शून्य की सरकार है जोड़ी की, और एक तरफ आपके पास पुण्य की सरकार है शिवराज सिंह और हम सब की। एक तरफ आपके पास डबल इंजन की सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, और एक तरफ आपके पास बिना इंजन की सरकार है। एक तरफ आपके पास आपका तलवार और आपका धार है, और दूसरे तरफ आपके पास श्रीमान बंटे धार है। एक तरफ आपके पास सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार है, और दूसरे तरफ आपके पास झूठ फूट और लूट की सरकार है। तो अगर मेरे साथ सहमत हो, 5 के 5 सीट इस बार राजगढ़ में भाजपा के झोली में आए, हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर मेरे साथ संकल्प लो, एक एक व्यक्ति कोई भी व्यक्ति ना छूटे। यहाँ दादा सब हाथ उठाओ, मेरे मुच्छे वाले दादा, हाँ यहाँ मेरी सभी अम्माएं, मेरी सभी लाडली बहनाएं, मेरे दुकान में है एक एक व्यक्ति, दादा चश्मे वाले पीछे, ये वाले पीछे, हाँ उठाओ, ओ दादा पीछे पीछे हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, और बोलो मेरे साथ भारत माता की, भारत माता की, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, भारत माता की। धन्यवाद, जय जय भारत, जय मेरी सहारनपुर की जनता।